हेलो दोस्तों, आपका योगेश अग्रणी में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और सरीकुड। आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कॉलेज का कट ऑफ क्या था, प्लेसमेंट क्या था, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का इस्टेब्लिश 2009 में हुआ था, लगभग आज से 12 साल पुराना कॉलेज है। अब कॉलेज का पूरा नाम देख लें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसरी खुड है। अब लोकेशन की बात करें तो अवसरी खुड, तालुका अंबेगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे, महाराष्ट्र, 412,405 है। अब कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज गवर्नमेंट नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से एंड रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एफिलेटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ दी हुई है www.gcoeara.ac.in। अब कॉलेज की कैंपस की बात करें तो जो कि 50 एकड़ में फैला हुआ है। अब कॉलेज के पास का नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट है, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पुणे है, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पे। और नियरेस्ट बस स्टैंड वंचर है, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे। अब कॉलेज के DTA कोड की बात करें जो कि 6004 है। अब कोर्सेज़ की बात करें तो कॉलेज हमें BE की डिग्री प्रोवाइड करता है। BE में हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 सीटें हैं। अब कॉलेज के कट ऑफ की बात करें तो हमें यहाँ पे MSAT 2020-21 का कट ऑफ दिया हुआ है, जो कि परसेंटाइल में। अब हम सभी ब्रांच का कैटेगरी वाइज परसेंटाइल देख लेते हैं। तो सिविल का ओपन कैटेगरी का 87.45 परसेंटाइल गया था, OBC का 85.47 परसेंटाइल गया था, SC कैटेगरी का 81.83 परसेंटाइल गया था, ST का 45.8 परसेंटाइल गया था, EWS का 86.46 परसेंटाइल गया था एंड TFWS का 90.20 परसेंटाइल गया था। अब कंप्यूटर की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 94.69 गया था, OBC का 94.30 गया था, SC का 85.47 गया था, ST का 66.404 गया था, EWS का 95.53 गया था, TFWS का 94.38 गया था। अब EXTC की बात कर ले तो ओपन का कट ऑफ 90.20 गया था, OBC का 87.59 था, SC का 85.4 था, ST का 31.40 परसेंटाइल गया था, EWS का 92.34 परसेंटाइल गया था एंड TFWS का 92.64 परसेंटाइल गया था। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो ओपन का कट ऑफ 79.64 गया था, OBC का 76.98 गया था, SC का 75.96 गया था, ST का 75.54 गया था एंड EWS का 64.30 गया था एंड TFWS का 80.07 परसेंटाइल गया था। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो ओपन का कट ऑफ 75.96 परसेंटाइल गया था, OBC का 73.53 परसेंटाइल गया था, SC का 46.45 परसेंटाइल गया था, ST का 69.20 परसेंटाइल गया था, EWS का 71.04 परसेंटाइल गया था एंड TFWS का 80.66 परसेंटाइल गया था। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात कर ले तो ओपन का कट ऑफ 88.70 था, OBC का 88.19 था, SC कैटेगरी का 82.89 था, ST का 36.82 था एंड EWS का 82.93 था एंड TFWS का 19.47 था। अब कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख ले तो कॉलेज का ट्यूशन फीस 15,000 है, डेवलपमेंट फीस 5,000 है, यूनिवर्सिटी अंदर अदर फीस 4,863 है, जो कि टोटल फीस 24,863 है। अब कैटेगरी वाइज सभी का फीस देख लेते हैं तो ओपन का 24,863 है, SC ST का 1,363 है, OBC, SBC, VJ, NT, EWS का 75,446 है एंड EBC का देख ले तो 17,363 है एंड TFWS का 9,863 है। हॉस्टल की बात करें तो हमें इस कॉलेज में 3 हॉस्टल मिल जाते हैं, क्योंकि 2 बॉयज़ हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। अब 2 बॉयज़ हॉस्टल में रूम 48 है, जिसमें इनटेक कैपेसिटी 360 की है, और 1 गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें रूम्स 48 है, इनटेक कैपेसिटी 230 स्टूडेंट की है। एडमिशन फीस भी देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे एडमिशन फीस दिया है, द एडमिशन फीस फॉर 1 ईयर पर स्टूडेंट इज 550 रुपये, जो गवर्नमेंट फीस है एंड नॉन गवर्नमेंट फीस है वो 600 है, एक्सक्लूडिंग द मेस चार्जेस। अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे मेस मिल जाता है, जिम, TV, सोलार वाटर हीटर, सोलार प्यूरीफायर एंड कूलर, फर्नीचर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब मेन आता है प्लेसमेंट एंड पैकेज।
तब ईयर वाइज पैकेज देख लेते हैं। तो 18-19 में हाईएस्ट पैकेज 8 लाख गया था, एवरेज पैकेज 3.3 लाख था, लोअर पैकेज 1.5 लाख था। अब 19-20 की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 7 लाख था, एवरेज पैकेज 3.42 लाख था, लोअर पैकेज 1.32 था। 2020-21 की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 12 लाख गया था, एवरेज पैकेज 3.97 था, लोअर पैकेज 1.32 गया था। अब ईयर वाइज प्लेसमेंट भी देख लेते हैं सभी ब्रांच का। तो सिविल में 0% प्लेसमेंट था, कंप्यूटर में 51 बच्चों का हुआ था सिलेक्शन, ईएसटीसी में 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, ऑटोमोबाइल में 15 बच्चों का हुआ था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 8 बच्चों का हुआ था, एंड मैकेनिकल में 8 बच्चों का हुआ था। अब 1920 में सिविल का सेम 0 था, कंप्यूटर का 44 बच्चों का हुआ था, ईएसटीसी में 9 का हुआ था, ऑटोमोबाइल में 13 बच्चों का हुआ था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 बच्चों का हुआ था, मैकेनिकल में भी 3 बच्चों का हुआ था। और 2021 की बात कर ले तो सिविल में सेम 0 था, कंप्यूटर में 36 बच्चों का हुआ था प्लेसमेंट, ईएसटीसी में 10 बच्चों का हुआ था, ऑटोमोबाइल में 2 बच्चों का हुआ था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 6 बच्चों का हुआ था, मैकेनिकल में 6 बच्चों का था। अब यहाँ पे हम देख ले तो सिविल में 0% पूरा प्लेसमेंट दिख रहा है, खाली हमें कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में ही प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोर ब्रांच में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। ओवरऑल देखें तो एक एवरेज कॉलेज है जिसमें फीस भी कम है और प्लेसमेंट भी थोड़ा अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।